शाहजहांपुर में 25,000 का इनामी बदमाश सोहेल उर्फ बॉर्डर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यही नहीं, 5,000 के इनामी बदमाश कामरान और इमरान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये तीनों अपराधी चंडीगढ़ में फतेहगढ़ साहिब में छुप कर रह रहे थे। कुख्यात बदमाश बॉर्डर पर लूट हत्या के प्रयास और रंगदारी के 19 केस शाहजहांपुर के कई थानों में दर्ज है। सोहेल खान उर्फ बॉर्डर, ये रहने वाला थाना पसगवा का है, सॉरी ग्राम पसगवा का है, थाना सेरा मोहन। ये यहाँ थाना सदर बाजार क्षेत्र में पंजीकृत 3 अभियोगों में वांछित चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी के निरंतर प्रयास चल रहे थे। इसके ठिकानों पर यहाँ दबिश भी दी गई थी, इसके पश्चात वह यहाँ फरार हो गया। बीच में इसकी लोकेशन रामपुर मिलने पर वहाँ भी टीम गई और वहाँ भी दबिश दी गई, वहाँ से भी यह बच निकलने में कामयाब रहा। उसके बाद हमारी सर्विलांस की टीम और थाना सदर बाजार और सूजी की टीम लगातार इसके लोकेशन को ट्रैक कर रही थी और जब ये मालूम चला कि पंजाब में एक जनपद है फतेहगढ़ साहिब, वहाँ ये छिप कर रह रहा है, तो उस पर हमारी टीम यहाँ से रवाना हुई और कल इसको वहाँ अपने दोनों सह अभियुक्त, इसके दोनों भाई हैं कामरान और इमरान, उनके साथ इसको गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। सोहेल बॉर्डर की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का पुरस्कार पूर्व से घोषित था। इसके दोनों जो सह अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी 5,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था गिरफ्तारी के लिए और इसके खिलाफ 19 मुकदमे हैं सोहेल खान बॉर्डर के खिलाफ और इनके दोनों भाइयों के खिलाफ भी 12 दर्जन करीब मुकदमे हैं। इनको वहाँ से नियमानुसार ट्रांजिट रिमांड पे लेकर यहाँ लाया गया है और यहाँ से इनको सेक्शन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ है कि जहाँ भी कोई इस तरह की चीज़ दिखाई पड़ती है, जब विवादित हो, हत्या के प्रयास भी मुकदमे हैं, मुख्य रूप से ये रंगदारी वसूलने का काम यहाँ जिसकी शिकायतें हैं। अभी हाल ही में इसने कुछ लोगों से भी इसी तरह का अपराध किया, रंगदारी वसूलने का, जिस पर मुकदमे लिखे गए हैं और इसके लिए वांछित भी चल रहा था। साथी अपराधी था ये, जी क्या इसकी संपत्ति वगैरह भी जब्त की जाएगी? हाँ, नियमानुसार इसके खिलाफ जो इसके अभियोग हैं अब तक के, उन पर आधारित जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई वो करते हुए बिल्कुल इसका ये भी प्रक्रिया रहेगी। हिस्ट्री शीटर्स तो बहुत होते हैं, मुख्य रूप से हम लोग ये प्रयास करते हैं, जी नहीं हम लोग ये प्रयास करते हैं, जैसे बहुत से ऐसे हैं जो उम्र दराज हो गए, 40 साल पहले की हिस्ट्री शीट खुली तो कहलाएंगे तो वो भी हिस्ट्री शीटर ही। आपने टॉप 10 की सूची बनाई है, जी तो टॉप 10 के अलावा अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो हिस्ट्री शीटर हैं, बहुत शातिर हैं, लेकिन आपकी टॉप 10 लिस्ट में वो नहीं है, वो आते रहने कम का आते उनका, जैसे इस वक्त जो एक्टिव रहता है उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। जी हाँ, खुटार में ये अवैध शराब निष्कर्षण का काम करने वाले अपराधी हैं जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत था, उसी में वांछित चल रहा था ये। इसका नाम कश्मीर सिंह है, इसके ऊपर 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था जिसको थाना खुटार की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक और अभियुक्त कल गिरफ्तार हुआ, रोशन सिंह नाम है, वो भी इसी अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त है, उसके विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है, इसको वो भी गिरफ्तार किया। सर आगे भी गैंगस्टरों पर कार्रवाई जारी रहेगी इसी तरीके से? बिल्कुल, ये पुलिस की सतत प्रक्रिया है अपराध नियंत्रण और अपराधियों पर कठोरतम वैधानिक कार्रवाई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।